दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम TVS अपाची RR310 के जो न्यू एवेंजर एडिशन लॉन्च हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, अभी TVS अपने पोर्टफोलियो पे काफी एक्टिव है। अभी हाल ही में TVS ने अपने एंटोर्क स्कूटर में मार्वल एवेंजर अवतार में न्यू ग्राफिक्स को लॉन्च किया है, जिसका नाम सुपर स्क्वाड एडिशन रखा गया है। TVS को पता नहीं कहाँ से अभी ऐसा आइडिया मिला है कि वो एक के बाद एक हॉलीवुड के सुपर मूवी वाले हीरो के ग्राफिक्स अपने बाइक में ला रही है। TVS ने अपने अपाची RR310 में एवेंजर मूवी के सुपर हीरो के ग्राफिक्स अपने RR310 में दिया है। तीन न्यू ग्राफिक्स अपने RR310 में दिया है। फर्स्ट है आयरन मैन, सेकेंड थोर एंड थर्ड हल्क। तो अभी आपको आपके स्क्रीन पे तीन न्यू ग्राफिक्स वाले RR310 दिखाई दे रहे होंगे। तो इसके जो पहले दो कलर आते थे वो अभी भी अवेलेबल रहेंगे, वो अभी भी रनिंग में रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और उसके साथ ही साथ आपको ये तीन न्यू एवेंजर एडिशन वाले कलर कॉम्बिनेशन भी दिखाई देगा। मतलब अब आपको अपाची RR310 में 5 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें 3 होगा एवेंजर एडिशन का और बाकी जो इनके जो स्टॉक के आते थे ब्लैक एंड ग्रे वाला कॉम्बिनेशन और रेड वाला, वो अवेलेबल रहेगा। तो ये 5 कलर कॉम्बिनेशन में अब आपको RR310 दिखाई देने वाला है। और बात करें अगर ये तीनों जो एवेंजर एडिशन लॉन्च हुए हैं इसके ग्राफिक्स का, ये इस बाइक का क्या प्राइस पड़ने वाला है, तो ऑफिशियली अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया है। मतलब प्राइसिंग को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द ही आपको इसका प्राइसिंग वाला वीडियो भी मिल जाएगा। और होपफुली ये आपको जनवरी 2021 से इसका डिलीवरी भी शुरू हो जाएगा और उसी टाइम इसका प्राइसिंग भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और ये शोरूम में भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। आप TVS का, आज TVS ने एक ऐप निकाला, उस पर भी जाके आप बुक कर सकते हैं, बट अभी उस ऐप पे ये अपडेट नहीं आया इस बाइक को लेकर, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। होपफुली 1 से 2 हफ्ता आपको वेट करना पड़ जाएगा, तो बाकी सारा जो इसके बाइक रिलेटेड डिटेल्स है वो आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसका कलर्स कॉम्बिनेशन का ही अपडेट मिला है, प्राइसिंग और इसका जो डिलीवरी है उस पर कोई अपडेट नहीं मिला है। पर जहाँ तक उम्मीद ये लगाया जा रहा है, ये जनवरी 2021 से सारा चीज़ इसका अवेलेबल हो जाएगा। तो आप भी अगर RR310 के फ़ैन हैं और एवेंजर एडिशन के भी फ़ैन हैं, तो अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद आपको नए साल में 2021 में जनवरी में आप इस बाइक को ले सकते हैं। और जहां तक मेरा मानना है, इसका प्राइसिंग जो है वो 3 से 5 हज़ार के अंदर ही रहेगा। मतलब जो अभी प्राइसिंग है और उसमें जो न्यू अगर ग्राफिक्स वाला लॉन्च होता है तो वो 3 से 5 हज़ार ही ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा शायद ही आपका लगे। तो मानकर आप एस्टिमेट यही बनाकर चलिए कि 5 हज़ार तक एक्स्ट्रा लग सकता है, जो ये न्यू थीम वाला ग्राफिक्स आपको RR310 में देखने को मिलने वाला है। तो आप लोगों को इन तीनों ग्राफिक्स में से कौन सा ग्राफिक्स बेस्ट लगा, कौन सा अच्छा लगा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली मुझे जो ग्रे वाला जो थोर का है वो वाला मुझे काफ़ी बेस्ट लगा, काफ़ी अच्छा लगा है पर्सनली ये। बाकी तीनों जो ग्राफिक्स लॉन्च हुए तीनों का अलग अलग ही, सब में अलग ही मज़ा है। बाकी पर्सनली मैंने बताया था कि ग्रे वाला थोर वाला ही मुझे बेस्ट लगा है। बाकी ये अभी वीडियो में आपको समझ में ना आए, बट आप जब सामने से देखेंगे तब आपको इसका जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो पता चल जाएगा। और चेंजिंग को लेकर बात करें कि ग्राफिक्स के अलावा और क्या चेंज हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें सिर्फ ग्राफिक्स ही चेंज किया गया है और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी टाइप का कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। सिर्फ इसका ग्राफिक्स को ही चेंज किया गया जो एवेंजर एडिशन में लॉन्च किया गया। और स्क्रीन पर आप अभी जो फोटोज़ देख रहे हैं ये हमें रसलेन वेबसाइट ने शेयर किया है। तो अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं इस बाइक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी, तो आप इनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं या आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। तो ये था अपाची RR310 का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।